Assalamu alaikum. Good evening. Sorry for the delay. I was not able to get the network, and alhamdulillah, I'm in front of you now. Aaj ki jo topic hai, 10 steps to stop riots in India. 10 amal jo karne se riots jo hai India mein jo hone ga hai, usko hum stop kar sakte hain. तो जनरली जो है रायट्स बोलते ही जो है क्या बोल सकते हैं उर्दू में मैं रायट्स समबडी आई थिंक यू कैन शेयर द मीनिंग ऑफ इट व्हाट इज रायट्स इन उर्दू आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड यानी कहीं भी कुछ भी झगड़ा हो जाते हैं यानी रोड साइड में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाते हैं तो वैसे जो है दंगे फसाद बोलते हैं हाँ दंगे फसाद तो राइट्स जो है अगर नेचुरली जो हो रहा है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है वी कैन सॉल्व इट ईजिली यानी एक दूसरे से बात करने से वो जो है मैटर जो है उसको हम संभाल सकते हैं मगर चंद राइट्स जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है वो जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स होता है यानी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा को रखते हुए चंद लोग जो है चंद पार्टीज जो है बस फसाद करना उनका मकसद रहता है तो ऐसे राइट्स को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं इसको कैसे हम रोक सकते हैं तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो इससे कौन फायदा उठाएंगे इसको रोकने के वजह से इंशाल्लाह ताला पूरे तमाम इंसानों जो इंडियंस जो हैं जो हिंदूस हो सकता है क्रिश्चियंस हो सकता है या मुस्लिम्स हो सकते हैं हर आदमी के लिए भलाई हम चाहते हैं यानी दंगे फसाद होने से किसी को भी फायदा तो नहीं है सबके लिए तो नुकसानात हैं अगर रोड में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग जो है बाहर नहीं जा सकते हैं मार्केट में प्रॉब्लम है तो मार्केट को नहीं जा सकते हैं स्कूल को बच्चे नहीं जा सकते हैं कारोबार नहीं हो सकता है हमारे इकोनॉमी नीचे गिरेगा तो हर चीज़ जो है कॉमन मैन के लिए तो तकलीफ है दंगे फसाद से कोई भी क्या है खुशी महसूस नहीं करता है तो किसके लिए तकलीफ होता है कॉमन मैन को तकलीफ होता है मगर दंगे फसाद कराने वाले इनको क्या होता है जो आदमी पॉलिटिकल एजेंडा को सामने रखते हुए ये दंगे फसाद करते हैं उनके लिए तो फायदा होता है क्योंकि वो लोग इलेक्शन में जीत सकते हैं या पावर में आ सकते हैं या कुछ पैसे का मामला रख सकते हैं या जो भी हो सकता है हमको मालूम नहीं हम एक पार्टी के ऊपर भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम जो है दंगे फसाद को रोकने की वजह से सब लोगों को भलाई चाहते हैं सिर्फ एक तबके के लिए नहीं एवरीबडी शुड बी एट पीस इसीलिए हम लोग जो है इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो है बी इन गुड नेबरहुड कभी भी अच्छे माहौल में रहना चाहिए अच्छे मोहल्ला में रहना चाहिए अगर आपके एरिया अच्छा नहीं है ठीक नहीं है वहां कभी भी लोग जो है दारू पी के वहां नीचे गिर जाते हैं और अक्सर लोग जो है जाहिल लोग हैं कभी भी फसाद करने के लोग हैं तो ऐसे शक्ल में आप क्या कर सकते हैं उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया को जा सकते हैं एक छोटे हिसाब से वो एक हिजरत है यानी एक बुरे एरिया से हम एक अच्छे एरिया को जाना भी एक छोटे हिसाब से वो हिजरत है तो ऐसे भी हिजरत करना जरूरी पड़ता है यानी जरूरी पड़ता है और अगर आप हिजरत नहीं कर सकेंगे यानी छोटे एरिया ऐसा हो सकता है कि बैंगलोर में एक एरिया ऐसा झगड़ा करने का एक जगह है मगर हम वो छोड़ के एक अच्छे मोहल्ले को जा सकते हैं बेंगलुरु में ही तो ऐसा कर सकते हैं आप पूरे के पूरे एक गांव को छोड़ के जाना नहीं हो रहा है या एक सिटी को छोड़ के नहीं जाना हो रहा है तो कम से कम जो है एक एरिया छोड़ के एक एरिया जा सकते हैं या एक रोड छोड़ के दूसरे रोड जा सकते हैं तो ऐसा काम करना जरूरी है अगर आप हिजरत नहीं कर सकेंगे तो क्या करना चाहिए उसी एरिया को आप जो है वहां जो है तब्दीली ले आना चाहिए तो वो कैसा तब्दीली ले आएंगे उसके बारे में हम जो है बात करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप जो है आप ये एरिया को अच्छा बनाना चाहिए नहीं तो दूसरे एरिया को जाना चाहिए अच्छे एरिया को आप जो है हिजरत करना चाहिए सेकेंड जो चीज है डेवलप गुड पीआर एक्टिविटी विद द पुलिस डिपार्टमेंट जो आपके एरिया के होते हैं तो वहां जो है आप विजिट करना पड़ेगा आप वहां जाके मिलना पड़ेगा वहां के इंस्पेक्टर को जाके मिलना पड़ेगा वहां के सब इंस्पेक्टर को जाके मिलना पड़ेगा वहां के जो राइटर को जाके मिलना पड़ेगा उनको
कोई हमारे एक प्रोग्राम में के लिए वो जो है आप जो है प्रोग्राम के लिए आप उनको दावत देना पड़ेगा. यू हैव टू इनवाइट देम फॉर सम ऑफ द इवेंट्स विच यू ऑर्गेनाइज इन योर ओन लोकेलिटी. कोई बच्चों के प्रोग्राम में आप उनको शरीक कीजिए, उनको बुलाइए, दावत दीजिए, एक दूसरों से एक ताल्लुकात बढ़ाइए. सो दिस पीआर एक्टिविटी विद द पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको गलत अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, मगर सही अंदाज में काम करने के वास्ते हम क्या करना चाहिए, पीआर एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट पीपल. अगर आपको लोकल पुलिस डिपार्टमेंट वाले का नाम और पता नहीं है तो आप जो है अब से शुरू कीजिए, जाके मिलिए, आपके बारे में तारुफ कीजिए और उनके बारे में आप पूरे मालूम हासिल कीजिए. उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर सब रखिए आपके साथ. तो ऐसे करने से क्या होता है, इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगा एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं. थर्ड जो स्टेप है, रिलेशनशिप विद द नेबर्स. हमारे जो पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना चाहिए. क्या हम अच्छे रिश्ता रखते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ? एक सवाल आ रहा है. हमारे बाजू रहने वाले के यानी बगल में रहने वाले का नाम मालूम नहीं है, और नीचे जो यानी हमारे फ्लैट में जो रहने वाले उनके नाम मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है. ऐसे रहने से क्या है, मुश्किल बढ़ेगा. तो हम क्या करना चाहिए, व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू हम क्या करना चाहिए, एक दूसरों के तारुफ होना चाहिए. हमारे जो नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ता रखना चाहिए. जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि अगर आपके घर में अच्छे खाना पका रहे हैं, आप लोग कुछ बना रहे हैं घर में, तो ताकि आप एक कुछ सूप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा और पानी ऐड करो और आप भी कुछ पी लो और आपके जो पड़ोसियों की भी उसको बांट लियो. तो इससे क्या होता है, एक रिश्ता बढ़ते, एक रिलेशनशिप बढ़ते. तो कौन है आपके पड़ोसी? वो मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो ये तीस भी हो सकते हैं. हर पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए. हर एक मुसलमान उसके पड़ोसी के ख्याल करना चाहिए. हालांकि वो मुसलमान हो सकता है या गैर मुस्लिम हो सकता है, मगर पड़ोसी होने के बाद हमारा और उसका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए. हम उनके साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए खैर करना चाहिए. तो यही है हमारा मकसद. एक थर्ड वेरी वेरी स्टेप जो है, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ता. इसमें क्या करना चाहिए, फेस्टिवल के टाइम में भी देखिए, फेस्टिवल के टाइम में हमारा और उनका बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है. जैसे कि उनके त्योहार में हम लोग जो है शरीक नहीं हो सकते, जैसे कि चंद चीजों में बिदात और शिर्क हो सकता है, तब जो है शरीक नहीं हो सकते हैं. मगर फेस्टिवल के टाइम में भी हमारा घर से कुछ उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं और उनके घर से जो भी गिफ्ट आ सकते हैं उसको भी हम कबूल कर सकते हैं, जब तक वो उसमें शिर्क या कुछ भी जो हरकता नहीं करके हैं, तब जो है हम कबूल कर सकते हैं. ये फतवा हमको मालूम हो रहा है. और इम्पोर्टेंट चीज जो है, हमारे अंदर ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यानी नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए, वंस इन 6 मंथ्स, 6 महीने को एक बार पूरे हमारे गली के लोग, हमारे जो जितना भी एरिया के लोग, हम लोग जो है मीटिंग करना चाहिए. वो मीटिंग में क्या बात होना चाहिए, बस खैर का काम होना चाहिए. जैसे कि रोड्स नहीं है, वहां जो है नाला जो है खुला हुआ है, और वहां जो है गंदगी है, वो ये करके जो भी हो सकते, कोई वहां बीमार है उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, कोई वहां काम की तलाश में है उनको सपोर्ट कर सकते हैं. तो जो भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी है उसमें हम सब जो है मिलकर काम करना चाहिए. अगर हम पड़ोसी बनकर एक दूसरे के ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा जो है फर्ज हम अदा नहीं करें. तो ये एक इंपॉर्टेंट, तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होना चाहिए. तो फोर्थ स्टेप जो है, सीसीटीवी लगाना चाहिए. जो भी मंदिर हो सकता है, मंदिर के बाहर और आजू बाजू और रोड के फोकस करते हुए वहां जो है सीसीटीवी लगाना चाहिए. और वो क्या भी महंगा नहीं होता है. हाँ, और मस्जिद के सामने और साइड्स में भी आप जो है कंपलसरी सीसीटीवी लगाना चाहिए. वो भी क्या है, मिनिमम 1 मंथ रिकॉर्डिंग होना चाहिए. और उसके जो है एक्सेसिबिलिटी जो है इंटरनेट से जो अथॉरिटीज हो सकते हैं वो लोग कभी भी एक्सेस करने की जैसा होना चाहिए. कोई कभी भी उसको देखने के लिए एक सहूलत बनाना चाहिए. तो इसीलिए क्या है, सीसीटीवी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एविडेंसेस एस्टैब्लिश करने के वास्ते क्या है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकता है. देखिए मस्जिद में इतना बड़ा मीनार रेडी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे महंगा कारपेट्स डाल देते हैं, मगर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बाहर एक सिक्योरिटी आदमी नहीं रहता है और सीसीटीवी नहीं रहता है, तो क्या हो रहा है, हमारा जो है असल फोकस जो है सही नहीं है.
तो इम्पोर्टेंट जो चीज है, सीसीटीवी लगाना चाहिए हर कोई, मस्जिद होने दे, मंदिर होने दे या चर्च होने दे, सामने आगे पीछे हर जगह में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा दो, और उसको जो है एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत आसानी से आप जो है इंटरनेट से उसको देखने की जैसे बना दो। तो इससे क्या हो जाता है, दंगे फसाद करने वाले जो है बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो पूरे के पूरे हमारे सामने आ जाता है। ओके, दैट्स वन थिंग। फिफ्थ स्टेप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जितना भी आपके जो नेबरहुड में रहते हैं, आपके जो पड़ोसियों में रहते हैं, सबके जो है नंबर्स लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप रखो, और वो ग्रुप में जो है हर कोई फॉरवर्ड मैसेज नहीं भेजना चाहिए। वहां जो है वो ग्रुप में कौन सा मैसेज भेजना चाहिए, देखो भाई करंट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जाके कंप्लेंट देंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड को जाके कंप्लेंट देंगे, क्या भाई वहां जो है गटर जो है नाला जो है खुला हुआ है, अच्छा हमारे वाटर सप्लाई बोर्ड को जाके मिलेंगे। तो ऐसे जो है डिस्कशन जो है हमारे रोड के बारे में, हमारे जो मोहल्ले के बारे में, जो तरक्की करने के वास्ते हम जो है डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है हमारे मोहल्ले में या कहीं भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक हमारे आमाल ठीक नहीं होगा, जब तक हमारे कामान जो है सही नहीं होते, तो ऐसे हालात जो है ऐसे ही रहता है। तो अगर हम ये हाल को चेंज करना चाहेंगे तो हम जो है थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पॉइंट जो है, ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग, देखिए आर्टिफिशियली जो दंगे फसाद करते हैं, आर्टिफिशियली यानी वो जो नेचुरली नहीं होता है, आर्टिफिशियली चंद लोगों को बेच के वहां जो है दंगे फसाद कराने के वास्ते जो काम किया जाता है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, कहीं भी दंगे फसाद हो गया तो लोग जो है घर के अंदर जाके बैठ जाते हैं, वो घर के अंदर बैठने से प्रॉब्लम होता है। क्या करना चाहिए, जितना भी हमारे मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सब लोग जो है जो पहले से ही रिश्ता बढ़ा कर रहेंगे, वो लोग क्या करना चाहिए, जब भी दंगे फसाद होते हैं सब लोग जो है बाहर आ जाना चाहिए, सब लोग मिलकर खड़ना चाहिए, और जैसे ही आप लोग बाहर आ जाते हैं, एक आपके मोहल्ले के पूरे लोग आकर बाहर खड़े जाते हैं, जो दंगे फसाद करने वाले पीछे चले जाते हैं वो लोग। मगर आप लोग अगर बाहर नहीं आते हैं, आप अकेला एक एक रखे करके आप घर में रहेंगे, तो फसाद करने वाले क्या करते हैं, एक एक घर को अंदर आकर बहुत सारे नुकसान करके चले जाता है। तो इसीलिए जो है इसके लिए भी एक ट्रेनिंग चाहिए, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग जो है लीगली करना चाहिए, और आप भी क्या है एक पुलिस डिपार्टमेंट को बताते हुए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली और डेमोक्रेटिकली आप जो है डेमोक्रेटिक इंडिया में वो चीज भी हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या है, आप ट्रेनिंग लेना है तो पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाते हुए वो ट्रेनिंग ले लो, स्काउट्स को बुलाते हुए वो ट्रेनिंग ले लो। तो ट्रेनिंग बिल क्या है, अच्छे अंदाज में आप जो है लीगली करो इंशाल्लाह। और सेवेंथ जो है, डॉक्यूमेंट ऑल एक्टिविटीज, जो भी आपके काम हो सकते हैं वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करो, जब भी मौका मिलता है तो उसको सबमिट करना है अथॉरिटीज के सामने। और नेक्स्ट जो है, इन्वॉल्व द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। देखिए आपके एरिया में आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो सकते हैं, वैसे लोगों के एक लजना होना चाहिए, एक काउंसिल होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है उनके राय मशवरा ले सकते हैं और हर कोई डिपार्टमेंट से आप जो है फायदा उठा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम जो है रिश्ता बढ़ाना चाहिए, यू हैव टू बिल्ड इन नेटवर्क, अच्छे कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, और पूरे जो है फेरिस आप जो है लिस्ट बनाकर उनके कॉन्टैक्ट नंबर, नेम्स वगैरह पूरा मेंटेन करते रहो। और हर कोई आदमी हर कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपके मजमे में कोई ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले को ये काम दे डालो, तो जो भी काम आदमी कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाओ इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है, नाइन्थ स्टेप जो है, पीआर एक्टिविटी, पब्लिक रिलेशनशिप विद द लॉयर्स एंड द मीडिया मैन। देखिए मीडिया हमारा खिलाफ हो सकते हैं, फिर भी जो है हम मीडिया लोगों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हम उनके साथ रहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और ख्यालात के इजहार करना चाहिए, तो इससे क्या हो जाता है, एक रिश्ता बढ़ते। तो मीडिया वाले से भी हम क्या करना चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए, और लॉयर्स के साथ भी हम जो है रिश्ता रखना चाहिए। तब क्या होता है, जब भी केसेस के लिए या राय मशवरा लेने के लिए हमारे लिए अच्छे लोग मिलते हैं, कोई भी एक फसाद हो रहा है तो आप लोग इमीडिएट एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप एक फोन कॉल कर सकते हैं एक टीवी वाले को, चैनल वाले को, या एंकर को, या वहां के एडमिन को, या किसी को भी फोन करके, देखो भाई इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा रिपोर्टर को भेजो करके आप बोल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्रूव। आप जो है नेटवर्किंग करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और फॉलोअप करना पड़ते रहे।
तो ऐसा काम और अच्छे खैर का काम करते रहना, तो ऐसे काम करते ही जो है मोहल्ले में तब्दीली ले आ सकते हैं। अगर आप सुस्ती से आराम से कभी भी जो है आराम करते रहेंगे और खाना खाते रहेंगे और मस्ती से फिरते रहेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। तो लास्ट जो पॉइंट है, जो टेंथ स्टेप जो है, आप जो है यू हैव टू एम्पावर द कम्युनिटी एंड एम्पावर द सोसाइटी। आप जो है आपके मोहल्ले को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए, जब भी कोई गलाटा करता है, कोई कुछ गलत काम करता है, उसको वार्निंग देने के लिए आप क्या करना, पुलिस में केस डालना चाहिए या लॉयर के थ्रू उसके ऊपर केस डालना चाहिए या PIL डालना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो भी हो सकता है, और साइबर क्राइम के साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं या कमिश्नर के पास आप एक पिटिशन डाल सकते हैं या ऑनलाइन के जरिए से आप ये कंप्लेन करके आप वो रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्लेन देना, FIR बनाना चाहिए। अगर आप जो है केस डालने के टाइम में पीछे हट जाते हैं तो आप जो है बुजदिल बन गए और तब से जो है कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट जो है काम जो है आप जो है लीगल एक्शंस लेना। जब तक आप लीगल एक्शंस नहीं लेंगे हालात नहीं बदलेगा। देखिए कभी भी कुछ भी फसाद होने के चांस है तो पहले जो चीज है आप जो है लेटर लिखकर कमिश्नर ऑफिस को भेज दीजिए और उसका कॉपी आपके पास रख लीजिए, क्योंकि जब आप ये काम कर लेते हैं तो इमीडिएट जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो रहा 10 पॉइंट्स, इसको और मैं जब भी मौका उठा सकते हैं मैं आपको और तफसील से बता सकता हूं, मगर ये 10 पॉइंट्स पर अगर आप लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले जो है अच्छे बन जाते हैं इंशाल्लाह, और सबके लिए खैर होता है इंशाल्लाह। उससे मैं आपसे आई विल टेक लीव। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।